बहन जी भी एक शिक्षक थी, बहन जी भी एक अध्यापिका थी, और आज अगर रितु भी एक प्रोफेसर है, वो भी एक शिक्षिका है, जिस प्रकार से बहन जी निडरता के साथ में रितु को आने वाले समय पर कोई भी साहित्यकार कालखंड में जब कभी ये लिखेगा और विश्लेषण करेगा इस विषय का, और ये कहेगा कि उस समय जब 5-6 महीने तक -2 डिग्री पारे में रितु बैठी, ये कह रहे हैं कि रितु राजनीति कर रही है, मैं फिर बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि रितु राजनीति कर रही है या नहीं कर रही है, और अगर कर भी रही है तो मैं उसका समर्थन कर रहा हूँ। रितु जैसे बच्चों को राजनीति करनी चाहिए, राजनीति में आना चाहिए। ये गधे 131 जो पार्लियामेंट में बैठे हैं, जो जब SC ST OBC माइनॉरिटी का कोई भी बिल पास होता है और ये बोलते तक नहीं है, तो कम से कम ये गधे चुन करके जाना बंद हो। जहां तक सवाल रितु का है, तो मैं एक बात बिल्कुल ईमानदारी से कह सकता हूँ रितु के आंदोलन के बारे में, क्योंकि मैं उस आंदोलन को पहले दिन से वाच कर रहा हूँ, और वो बात ये है कि रितु जैसी साहसी लड़की, रितु जैसी निडर लड़की, रितु जैसी निर्भीक लड़की, रितु जैसी मतलब बेवाक लड़की, वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बिलडगी बेटी, जिसने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़ा और समझा, वो लड़की आज निर्भीकता के साथ में, निडरता के साथ में पूरे मोदी सरकार से, RSS की सरकार से वहाँ डट करके मुकाबला कर रही है। और मैं हमेशा से समाज से अपील करता हूँ, अभी भी वही अपील कर रहा हूँ कि समाज को चाहिए कि उस निडर और निर्भीक बेटी का साथ दे, ताकि एक मिसाल कायम हो सके कि एक दलित समाज की बेटी, एक बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचार की बेटी, अपने कंधों पर एक दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे बड़े शिक्षा संस्थान में 4-5 महीने तक उसको कंटिन्यू जो है वो 5 महीने होने जा रहे हैं, उसको 5 महीने तक लगातार उसने उस धरने को चलाया, जिससे देश की पुलिस, जिससे दिल्ली की पुलिस, अमित शाह की पुलिस डरी और रात के अंधेरे में उसको खदेड़ दिया गया। उसके बावजूद भी रितु की हिम्मत है कि पुलिस से रोज दो दो हाथ करती है, पुलिस से रोज टकराती है, रोज गिरफ्तारी देती है, रोज पुलिस उसको गिरफ्तार करती है, फिर छोड़ देती है, और अगले दिन रितु फिर आकर कभी धरने पर बैठती है। आपने अपने जीवन में इतनी बहादुर लड़की देखी आज तक? मैंने बहन कुमारी मायावती जी देखी, मैंने रितु देखी, और कोई साथ मेरे दिमाग में उतनी बहादुर लड़की नहीं है, उतनी बहादुर बेटी नहीं है। लोग अपने लिए लड़ते हैं, पुलिस धमका देती है, भाग जाते हैं, लेकिन रितु का जो मामला, रितु अकेली ऐसी लड़की है मेरे अपने अभी तक 42 साल के जीवन में और मेरे 22 साल के सामाजिक कैरियर में, कि रितु जितना बहादुर लड़की मुझे आज तक नहीं मिली। समाज ने साथ छोड़ दिया, फिर भी लड़ रही है अकेली, देखिए पुलिस। कोई बात नहीं, समाज देखिए, समाज कब आता है? समाज जब आता है, जब कोई मर जाता है तो कैंडल मार्च लेकर निकालने आता है, समाज शांति पाठ में आता है, बौद्ध भिक्षु परित्राण पाठ में पहुंचते हैं, समाज अभी नहीं देगा साथ। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को, मानेवर साहब काशीराम को, बुद्ध को, कबीर को, नानक को, रैदास को, फूले को, साहू जी महाराज को, तमाम उन बहुजन समाज के पुरखों को समाज ने तब साथ दिया है, तब वो उन लोगों की बात लोगों के दिमाग में आने लगी है। अभी तो आधे से ज्यादा लोगों को यही पता नहीं है कि भाई रितु लड़की हो रही है, अभी तो आधे से ज्यादा लोगों को यही पता नहीं कि रितु बैठी क्यों है, अभी तो आधे से ज्यादा लोगों को यही पता नहीं, वो सवाल कर रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं सवाल कौन सा करना है कौन सा नहीं करना। अभी तो हमारे बहुत सारे साथी पत्रकार साथी जो कह देते हैं, अरे साहब जब नौकरी मिली तो ले क्यों बैठी ठंड में। सवाल नौकरी का नहीं है गजेंद्र भाई, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मूवमेंट पैसे की नहीं थी, कोठी बंगला गाड़ी की नहीं थी, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का आंदोलन मान सम्मान का था। रितु अगर बैठी है तो नौकरी लेनी होती तो वो कनाडा जा सकती है, ऑस्ट्रेलिया जा सकती है, किसी भी विदेश की यूनिवर्सिटी में जाकर के पढ़ा सकती है, उसके लिए ऑफर है, वो गोल्ड मेडलिस्ट है PhD में, वो जहां जाएगी वहां उसको नौकरी मिल जाएगी। सवाल नौकरी का नहीं है बंधु, सवाल इस बात का है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के उस विचार का क्या होगा, जिसमें बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि ये लड़ाई पैसे की नहीं है, ये लड़ाई कोठी बंगला की नहीं है, ये लड़ाई मान और सम्मान की है। अगर रितु दिल्ली यूनिवर्सिटी में बैठी है और वहां से उठ करके जब जाए, जब वहां की BC, वहां का रजिस्ट्रार, वहां का सब रजिस्ट्रार, वहां की प्रिंसिपल गिरफ्तार हो, ये इंटरनेशनल लेवल पर खबर बने कि एक बाबा साहब की बेटी ने गलत सिस्टम की शिकार हुई और वो लड़ी, और लड़ने के बाद में उन तमाम मनुवादियों को जेल की हवा खिलाई जिन लोगों ने गुनाह किया। लेकिन कहा जा रहा है दिल्ली विश्वविद्यालय मनुवादियों का अड्डा है और उस अड्डे के बीच लड़ रही है रितु। आप देखिए ना, जहां दीवार के दूसरी तरफ RSS की शाखा लगती हो, जहां दीवार उसी दीवार के दूसरी तरफ रितु बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जय भीम के नारे लगा रही है, तो उसकी हिम्मत देखिए। अरे जहां पर बलात्कार कर दिया जाता है, उस बेटी को बलात्कार करने की धमकी दी गई, जान से मारने की धमकी दी गई, उसको उसकी जान को खतरा है, उसको पुलिस ने गलत तरीके से उसकी बॉडी को टच किया जब उठा करके ले गई, उसके बावजूद भी वो निडरता और निर्भीकता से वहां लड़ रही है। मैं उसके जज्बे को सलाम करता हूं, मैं उसको प्रणाम करता हूं, मैं ऐसी बेटी को नमन करता हूं। कहा जा रहा है दूसरी मायावती है समाज के लिए। देखिए मैं ये तो नहीं कह सकता कि मायावती को बनने में, मायावती बनने में 30 साल लगे 35 साल लगे, लेकिन रास्ता वो हो सकता है। बहन जी भी एक शिक्षक थी, बहन जी भी एक अध्यापिका थी, और आज अगर रितु भी एक प्रोफेसर है, वो भी एक शिक्षिका है, जिस प्रकार से बहन जी निडरता के साथ में लड़ी, बहन जी उत्तर प्रदेश की 4-4 बार CM बनी और विश्व के पटल पर बहन जी का आयरन लेडी के नाम से दुनिया उनको सलाम करती है, नमन करती है, उनका एक अपना स्थान है। रितु को आने वाले समय पर कोई भी साहित्यकार कालखंड में जब कभी ये लिखेगा और विश्लेषण करेगा इस विषय का, और ये कहेगा कि उस समय जब 5-6 महीने तक -2 डिग्री पारे में रितु बैठी थी, तो उसके अंदर क्या था,
जब इस पर शोध होगा तो मैं कहता हूँ ऋतु के इस आंदोलन पर इतनी मोटी किताब लिखी जाएगी, एक ग्रंथावली लिखी जाएगी, और तब उस समय के विश्लेषक, उस समय के लेखक, उस समय के साहित्यकार ये लिखने को मजबूर होंगे कि ऋतु थी तो वो लड़ी, अन्यथा और किसी के बस की लड़ाई लड़नी नहीं थी। कुछ बहुजन समाज के लोग शक कर रहे हैं, कह रहे हैं कि राजनीति भी कर रही है। देखिए अच्छा मैं तो चलो ये बात भी मान लेता हूँ, अगर ऋतु राजनीति भी करी तो फिर राजनीति करना गुनाह है? राजनीति करना गुनाह है? इस देश का प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री होते हुए सरकारी हवाई जहाज और सरकारी संस्थानों का उपयोग करते हुए राम मंदिर के मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा के लिए जाए, भूमि पूजन में जाए, एक आदमी सवाल खड़ा नहीं करता है? ए वो आदमी जो संगठन रजिस्टर्ड नहीं है मोहन भागवत का आरएसएस, उस आरएसएस के संगठन को, उसके चीफ को जेड सिक्योरिटी सुरक्षा मिले तब बहुजन समाज के लोग नहीं बोलते, और ऋतु वहां बैठी है तो गधे नाले का अनुपर कूपर लोग बोलेंगे कि ऋतु वहां राजनीति करी है। और मैं कह रहा हूं कि राजनीति भी करी तो कौन सा गुनाह करी? तुम्हारे बाप को क्या ले रही है, क्या ले रही तुम्हारे बाप का? ये वही लोग हैं गजेंद्र भाई, इनके सबके घर जाकर के चेक करो, इनके सबके घरों में चिड़ियाघर है, बड़े बड़े मंदिर हैं, सब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की 22 प्रतिज्ञा के विरोधी हैं, दुश्मन हैं, और ये ऋतु पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनकी बेटियां घरों से बाहर नहीं निकलती, इनकी लुगाई घर से बाहर नहीं निकलती, इनकी माँ बहन बेटियां मंदिरों में घंटे बजा रही हैं और ये ऋतु पर प्रश्न चिन्ह खड़े करते हैं। शर्म नहीं आती इन लोगों को? ये जो भी लोग हैं इनको चिन्हित करो, और मैं तो कह रहा हूँ पहले दिन से कि ऋतु के खिलाफ जो लोग बोल रहे हैं उनको चिन्हित किया जाए, और जब ऋतु सब प्रोटेस्ट से उठेगी, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ एज एक्टिविस्ट, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ इस आंदोलन की ये खूबसूरती है कि वो पिछले 5 महीने से बिल्कुल निडरता और निर्भीकता के साथ में चल रहा है। उस आंदोलन की ये खूबसूरती है कि उस आंदोलन को एक दलित बेटी, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की ब्लड की बेटी, विचार की बेटी उस आंदोलन को लीड कर रही है, और वह कितना भी बड़ा नेता जाए वो भाषण देता है लेकिन लीड ऋतु करती है। ये है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की का विचार, ये है ऋतु का आंदोलन, इस आंदोलन की यही खूबसूरती है। और जो लोग ये कह रहे हैं कि ऋतु राजनीति कर रही है, मैं फिर बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि ऋतु राजनीति कर रही है या नहीं कर रही, और अगर कर भी रही है तो मैं उसका समर्थन कर रहा हूं। ऋतु जैसे बच्चों को राजनीति करनी चाहिए, राजनीति में आना चाहिए। ये गधे 131 जो पार्लियामेंट में बैठे हैं, जो जब एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी का कोई भी बिल पास होता है और ये बोलते तक नहीं है, तो कम से कम ये गधे चुन करके जाना बंद हो। और ऐसे लोग राजनीति में, ऋतु जैसे लोग आए, हमारे जैसे आए, अभिषेक जैसे लोग आए, तमाम वो लोग आए राजनीति में जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों से परिपक्व होकर के आगे बढ़े, उन लोगों को राजनीति करनी चाहिए, और ऋतु अगर राजनीति करी तो 1000% करनी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये आंदोलन संविधान के अनुसार चल रहा, पुलिस गोल गोल चक्कर में फंस गई है। आपने देखा गजेंद्र भाई, हम तो थे वहां पर, ऋतु को गिरफ्तार करने आई पुलिस, पुलिस को धारा 144 का उल्लंघन करने पर ऋतु ने पुलिस को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस कह रही नहीं नहीं हम हाथ नहीं लगे, ऋतु ने कहा, उनके वकील ने कहा आप उंगली लगाई, हम बच्चों की तरह चलने चलो ना। ये है संविधान की ताकत, यह है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मूवमेंट की ताकत, विचार की ताकत। आप समझिए, आपके हाथ में संविधान है और दूसरे हाथ में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की तस्वीर है, इस देश की कोई भी ताकत आपको खदेड़ नहीं सकती, और रात के अंधेरे में अगर खदेड़ेगी तो उसको कोर्ट में जवाब देना पड़ेगा। सरकार ये वाली हो, इनसे पीछे वालों की हो, इनसे आगे वालों की हो, कहीं ना कहीं नतमस्तक तो संविधान के आगे होना पड़ेगा। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, सरकार जितनी भी रही है, पहले की रही है, बात की रही है, वर्तमान में चल रही है, आने वाली सरकारें, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर सबके लिए महत्वपूर्ण है, और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचार से जो भी टकराने की कोशिश करेगा वो मिट्टी में मिल जाएगा। ऋतु बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचार के साथ खड़ी है, हमारे जैसे तमाम एक्टिविस्ट उसके साथ खड़े हैं। जो लोग उस आंदोलन में आ रहे हैं उनका धन्यवाद, जो लोग नहीं आ रहे हैं घर में बैठ करके उसमें कमियां निकालें उनका भी धन्यवाद। आंदोलन सही दिशा में है और अच्छी दिशा में। आंदोलन ने बता दिया कि संविधान से बड़ा कुछ नहीं है ना। नहीं, ये ऋतु के आंदोलन ने बता दिया, 2 तारीख को भारत बंद हुआ था 2018 में, उसने बता दिया, 13 पॉइंट रोस्टर के मामले ने बता दिया, किसानों के आंदोलन ने बता दिया, तमाम आंदोलन जो बिना नेताओं के इशारे पर हुए, बताओ मुझे किसानों का आंदोलन कौन से नेता ने आवाज कॉल दी थी? किसानों का आंदोलन था ना, सरकार झुकी। 2 तारीख को भारत बंद हुआ एट्रोसिटी एक्ट पर, दलित एससी एसटी एट्रोसिटी एक्ट पर, बताओ मुझे किसी नेता ने कॉल दी थी? नहीं दी थी ना, वो आम जनमानस का आंदोलन था। 13 पॉइंट रोस्टर का मामला हुआ, सरकार लोग जीते, इसी दिल्ली यूनिवर्सिटी में आंदोलन हुआ, लो सरकार झुकी, अब ऋतु लड़ रही है, जीतेगी 1000% जीतेगी। और ये जो लोग घरों में बैठ करके चूड़ियां पहन करके, मैं तो चूड़िया ही कहूंगा, चूड़ी पहन करके रात को कंबल में सो जाते हैं हीटर लगा करके, और सुबह को अखबार पढ़ते हुए चाय पीते हुए कहते हैं कि ऋतु गलत रास्ते पर है, तो तुम आओ बता रास्ता बताओ जरा कौन सा सही है। ये नालायक अनपढ़ और कूपड़ लोग समाज के लिए कल भी खतरनाक थे, आज भी खतरनाक है। तो क्या ऋतु हार जाएगी, डर जाएगी या लड़ती रहेगी? ऋतु, मैं ये बात पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ तमाम चैनलों पर, ऋतु ना डरेगी ना थकेगी, वो जब तक ईमानदारी के साथ, जब तक है, जिंदा है, ईमानदारी से, मजबूती से लड़ेगी। और इस देश के अंदर मैं बता रहा हूँ, ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की कोटेशन है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि इस देश के अंदर कोई झगड़ा नहीं है, सिर्फ बुद्ध का और मनुवाद के बीच झगड़ा है। और मैं वर्तमान में कह रहा हूँ कि कोई झगड़ा नहीं है, अंबेडकरवाद और मनुवाद में झगड़ा है, और ऋतु जो है वो संविधान के साथ, अंबेडकरवाद के साथ खड़ी है, और वो जीतेगी और वो सरकार को हरा कर यहाँ से उठेगी। ये इस आंदोलन की खूबसूरती होगी।